डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया गया है। उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म जो है वो है 14 और थर्ड टर्म है वो 18। जी हां, और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो लीजिए शुरू करते हैं। देखिए, इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सेकेंड टर्म है वो है 14। तो सबसे पहले तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है वो है ए और इसका कॉमन डिफरेंस है डी। जी हां, इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो है ए और इसका कॉमन डिफरेंस है डी। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि इसकी सेकेंड टर्म है 14। तो मैं यहां पर सेकेंड टर्म को डिनोट करता हूं ए टू से और वो है 14। ठीक, और इसकी जो थर्ड टर्म है वो है 18। थर्ड टर्म को मैं लिखूंगा 18। ठीक, अब देखिए कॉमन डिफरेंस के लिए कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होगा a3 - a2। a3 में से इसकी प्रीसीडिंग टर्म a2 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, मतलब 18 - 14 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस आ गया 4। इसे मैं डी से डिनोट कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म कैसे निकाली जाए, इसके लिए मैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म को कंसीडर करना चाहूंगा। इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म होती है an = a + n - 1d। इसका मतलब है nth टर्म, an का मतलब है nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस d। तो अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो इस हिसाब से यह बन जाता है a2 इज इक्वल टू a + 2 - 1d, मतलब a2 इज इक्वल टू a + d। ठीक है, अब a2 मतलब सेकेंड टर्म तो 14 दिया हुआ है, मैं यहां पे रखूंगा 14 a2 की जगह। फर्स्ट टर्म तो पता नहीं और कॉमन डिफरेंस अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है वो है 4। तो इस हिसाब से a की वैल्यू आ गई 14 - 4 इज इक्वल टू 10। जी हां, एक बार मैं फिर से लिख देना चाहूंगा, हमने क्या फाइंड किया है? हमने फर्स्ट टर्म जिसे मैं a से डिनोट कर रहा हूं उसको फाइंड किया, वो है 10, और इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4। ये दो बातें हो गई है। अब हमें निकालना क्या है? हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने पहले बात की थी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। आगे काम करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालते हैं। मैं यहां पे कंसिडर करूंगा सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ a प्लस n - 1d। जी हां, अगर अब यहां पे मैं n की वैल्यू 51 ले लूं तो ये बन जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। यहां पे हो जाएगा n की वैल्यू 51 है ना, तो ये हो जाएगा 51/2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू है 10 प्लस n - 1, मतलब 51 - 1 मल्टीप्लाइड बाय d की वैल्यू है 4। ये बन जाएगा आपका 51/2 20 + 50 × 4। इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे, ये हो जाएगा 51/2 × 20 + 200। ये बना आपका 51/2 × 220। जी हाँ, ये बन जाएगा 110। तो सम ऑफ 51 टर्म्स बनेगा 51 × 110। ये बन जाएगा आपका 5610। तो सम ऑफ 51 टर्म्स क्या बन गया? 5610। यही आपका आंसर है।